गुड मॉर्निंग ऑल, मैं मोनिका मेहता, साइंस मिस्ट्रेस। अज तुहानू 8वीं क्लास का नैस का सैंपल पेपर रिवाइज करान लगे हैं। ठीक है, लेट्स डू द पेपर। इतने डिस्ट्रिक्ट नेम भरना, अपना स्टूडेंट का नाम भरना, स्कूल नेम, दैन फस्ट क्वेश्चन है। एक कार 2 घंटे 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो की है तय की गई दूरी एस की होगी 60 किलोमीटर। 2 घंटों टाइम हो गया 2 आवर्स, तू चेंज करो, असी वी कढ़नी है एस अपॉन टी, तो यह की आजगा 60/ असी 2 करांगे 30 किलोमीटर/hr आंसर आ जाएगा। तो आंसर केड़ा होएगा? पहला आंसर की किता वी इक्वल टू एस अपॉन टी 60/260/2 km/hr आ गया। अगला क्वेश्चन है, 4 विद्यार्थियों ने समान परख नलिया विच इको जही मात्रा विच पानी उबालिया। उन्होंने अपनी परख नलिया नू अग दे वक्वक जोना विच रखिया, जिमें कि हेठ है। सब तो पहला पानी किस विद्यार्थी का पानी सब तो पहला उबलेगा, जिन्हें बारी भाग च गर्म किया है विद्यार्थी ए का, क्योंकि बारी भाग की हूँ ब्ल्यू, तो यह की है सब तो ज़्यादा गर्म हों, इस करके उदा पानी सब तो पहला गर्म होएगा। आंसर विल बी ए। थर्ड क्वेश्चन है, एक किसान गुलाब की खेती करना चाहता है, उसनों हेठ लिखा विचों केड़ी खेती की विधि की वरतों करनी चाहिए। तो गुलाब दिया की लगाएगा? कलमा लगाएगा कटिंग मैथड के नाल। अगला क्वेश्चन है, थोड़े स्कूल के कैंपस में एक रुख है, जदों पतझड़ के दौरान इसके पत्ते झड़ते हैं, तो पत्तों का निपटारा करने लई सानू इन्हां नू टोए विच पाना चाहिए कंपोजिट बनाने लई, ठीक है, ताकि खाद बन सके। पुट दी लीफ इनटू दी पिट। प्रकाश की एक किरण दर्पण की सतह से टकराती है, तो हेठा दिता चित्र दिखाया है, परावर्तित किरण केड़ी होएगी? बी, ठीक है, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, तो रिफ्लैक्शन का लॉ हैगा, परावर्तन दे केड़ी किरण होएगी? रे बी। अगला क्वेश्चन है, हेठा दित्तियां 2 सारणियां जानवरों के वर्गीकरण को 2 श्रेणियों में दर्शांदियां हन, इन्ह जानवरों के वर्गीकरण लिए हेठा दिए विकल्पों विचों केड़ा विकल्प वरत्या गया सी? हिरन नू क्या है, टू टेबल शो क्लासीफिकेशन ऑफ एनीमल्स इन टू 2 कैटेगरी। अच्छा, ये है हिरन नू कौन खा सकता है? शीर है ना, गानू मगरमच्छ हाथी, ये क्या दसना चाहते हैं? 2 कैटेगरी हिरन हाथी गां, एक ही हो गए हर्बीवोरस काइंड ऑफ फूड दे ईट, है ना, हर्बीवोरस हो गए, मगरमच्छ मकड़ी ते शेर, एक कार्निवोरस हो गए, है ना, इस ढंग नाल से नू इधरले की हो गए शाकाहारी ते मांसाहारी, मांसाहारी हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, ठीक है, हो जाएंगे। दैन सोडियम बाइकार्बोनेट नाल गुब्बारा भरिया जन दिबू, एक गुब्बारे नू एक बोतल दे मुँह ते रख्या जांदा है जो सिरके नाल भरी हुई है, तो यह गुब्बारा फुलदा है क्योंकि क्रिया होएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होएगी, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद क्या दिता सी? एसिटिक एसिड सिरके दे नाल, पानी दिता सीगा, गुब्बारा एंड विनेगर, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट नू जो एसिड च पाने गया तो यह तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होएगी, ठीक है, THCl भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड बन चुका और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होएगी, जिस दे करके कि यह गुब्बारा थोड़ा फुल जाता है। एक ग्राफ दिखाया, एक ग्राफ टैंपरेचर ते मीनस टैंपरेचर वधाउण दे नाल सोलूबिलिटी वधदी है, ताप बदन दे नाल लून दे घुलन दी मात्रा वधदी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाया है। उस तो बाद
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਣੂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੀ ਪਾਰਟ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਂਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਲਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿੰਦੂ ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕੋਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਹੈ, ਰੋਧਕ ਹੈ, ਇੰਸੂਲੇਟਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਡਕਟਰ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਊਰਜਾ ਸੋਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਨਲਾਈਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਸੂਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੀਨੀ ਐਂਡ ਨਮਕ ਯੋਗਿਕ ਹੈ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਚੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਯੋਗਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਦੈਨ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਕੰਬਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਲ ਤੱਕ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਟਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਵਰਤੋਂਗੇ? ਨਾਈਲੋਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਹੈਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਦਾ ਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਲੜਕੀ, ਅਤੇ ਵਾਲਾ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕੀ ਹੈ ਬੋਏ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਬੋਏ ਐਕਸ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਦਿਸ ਵਾਜ ਦੀ ਨੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ।